सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी ने इंडियन नेवी की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस के बारे में जरूर सुना होगा, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक है। और बाकी मार्कोस क्या है और इस स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाता है, इन सब के रिगार्डिंग हम वीडियोस ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे खास ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे जिन्हें इंडियन नेवी के इन एलीट मार्कोस कमांडोज ने अंजाम दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फरवरी 1987 में बनी ये एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस, जो कि मरीन कमांडो फोर्स के नाम से भी जानी जाती है, होने को तो ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट है, लेकिन इस फोर्स के कमांडोस किसी भी तरह के एनवायरनमेंट यानी कि हवा, पानी, जमीन कहीं पर भी ऑपरेशंस को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। और इस फोर्स ने अपनी स्थापना के बाद से आज तक जो भी अनुभव प्राप्त किया है, उसी अनुभव के आधार पर इस फोर्स के काम करने की तारीफ तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। और इस मार्कोस स्पेशल फोर्स को कितना अनुभव प्राप्त है, आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी स्थापना के पहले साल में ही इस स्पेशल फोर्स ने करीब 55 कॉम्बैट ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। और वैसे तो मार्कोस कमांडोज के जो अधिकतर ऑपरेशंस होते हैं उन्हें सीक्रेट ही रखा जाता है, और बहुत ही कम ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में सामने आती है। और जो इनका पहला ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन पवन, जो कि 1987 में 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक श्रीलंका में किया गया था। और यह ऑपरेशन श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पर स्थित एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे के नाम से जानते हैं, उसके खिलाफ था। और इस ऑपरेशन के दौरान मरीन कमांडोज ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की कैपिटल सिटी जाफना पर कंट्रोल स्थापित करने में मदद की थी, जो कि पहले लिट्टे के पास था। और मार्कोस ने लिट्टे के खिलाफ इसमें एक एम्फीबियस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद जो दूसरे मेजर ऑपरेशन में मार्कोस कमांडोज को इस्तेमाल किया गया था वो था 1988 का ऑपरेशन कैक्टस। क्योंकि जब भारत के स्पेशल फोर्सेस ने, जिसमें मार्कोस के साथ साथ पैरा कमांडोज भी शामिल थे, जब उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलएम के लीडर को एलिमिनेट कर दिया था, तो उसके बाद जो आतंकी संगठन थे उन्होंने भागने की कोशिश की थी। और इसी में उन्होंने मालदीव के सामान ढोने वाले एक जहाज को हाईजैक किया था, और वे इसकी मदद से श्रीलंका को छोड़ के भागना चाह रहे थे। और तब भाग रहे इन आतंकियों को इंटरसेप्ट करने के लिए इंडियन नेवी की मदद मांगी गई, और तब इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस ने इसमें दखल दिया और ऑपरेशन कैक्टस के तहत इन आतंकियों को पकड़ के उन्हें हिरासत में लिया। और इसी तरह मार्कोस कमांडोज लिट्टे ग्रुप के खिलाफ 1991 के ऑपरेशन ताशा और 1992 के ऑपरेशन जबरदस्त में भी शामिल रहे थे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन रक्षक नाम का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी अन्य स्पेशल फोर्सेस यूनिट और अन्य सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ मार्कोस कमांडोज भी शामिल रहते हैं। और इस ऑपरेशन के तहत ही जम्मू कश्मीर में झेलम नदी और गुलार लेक के माध्यम से मार्कोस कमांडोज रेगुलरली बेसिस पर कुछ खास तरह के मैरीटाइम ऑपरेशंस को अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा 1999 के जो कारगिल वॉर था, उसमें इंडियन आर्मी के साथ ये मार्कोस कमांडोज भी शामिल रहे थे। और जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, तब ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत ये मार्कोस कमांडोज ट्राइडेंट और ताज होटल्स में इस्तेमाल किए गए थे। और अगर इन कमांडोज के किसी लेटेस्ट ऑपरेशन की बात करें तो वो हुआ था 2018 में। और इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडोज ने दुबई प्रिंस शेखर लतीफा को कैप्चर करने में मदद की थी, फिर जिन्हें यूएई अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिया गया था। और ये भारत और यूएई का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जो कि 4 मार्च 2018 में किया गया था। हालांकि इस ऑपरेशन में ये तो कहा गया था कि इसमें भारत की स्पेशल फोर्सेस शामिल रही थी, लेकिन उस स्पेशल फोर्स का कोई अलग से नाम नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेस के मुताबिक वो स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ही थे। लेकिन मार्कोस स्पेशल फोर्स का सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि वो कब और कौन कौन से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, इस चीज की जानकारी पूरी तरीके से क्लासिफाइड रखी जाती है। और अभी हमने आपको जितने भी ऑपरेशंस के बारे में बताया है, वो मार्कोस स्पेशल फोर्स द्वारा आज तक अंजाम दिए गए कई सारे ऑपरेशंस में से केवल कुछ ही परसेंट हिस्सा है। क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि मार्कोस ने अपनी स्थापना के पहले साल में ही करीब 55 कॉम्बैट ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, लेकिन उन 55 में से केवल हम 1987 वाले ऑपरेशन को ही जानते हैं। और वो भी हम इसलिए जान पाए हैं क्योंकि ये ऑपरेशंस एक तो बड़े लेवल पर हुए थे, और दूसरा ये कि इनमें केवल मार्कोस कमांडोज ही शामिल नहीं थे बल्कि भारत की अन्य फोर्सेस भी शामिल थी। और बाकी ऐसे ऑपरेशंस जिनमें केवल मार्कोस कमांडोज ही इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस के दो अन्य स्पेशल फोर्सेस हैं, यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स और गरुड़ स्पेशल फोर्स,
इनके पर्सनल्स की पिक्चर्स अक्सर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखाई देती होंगी, लेकिन आपने मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स की पिक्चर्स बहुत ही कम देखी होंगी, और उसका कारण यही है कि इस फोर्स को हाईली क्लासिफाइड रखा गया है। और बाकी आप ये जान लीजिए कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब उस समय इस मार्कोस स्पेशल फोर्स के ब्रेव हार्ट कमांडोज कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर भी डिफेंस रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं। बाकी अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।